सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लाइगर, और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जियो कीपैड फ़ोन में स्क्रीन लॉक कैसे लगा सकते हो। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी अगर जियो का फ़ोन है और अगर आप चाहते हो उसमें लॉक लगाना, तो ये कैसे लगा सकते हो। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप बिना लॉक किए फ़ोन को रखते हो तो कोई फ़ोन को ले लेता है और डायरेक्ट रेड बटन दबाता है और आपका जो फ़ोन है वो ओपन हो जाता है। तो यार, आपको भी बुरा लगता होगा। तो भाई, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें स्क्रीन लॉक में पासवर्ड कैसे लगा सकते हो। तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। एंड दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है आपको सेटिंग्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स ढूंढ लेता हूँ। तो देख सकते हो, यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको राइट साइड स्क्रॉल करना है कुछ इस तरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले नंबर में आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन लॉक, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन लॉक जो है वो आपका ऑफ रहेगा। इसको आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और इसको ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हो, जो भी पासवर्ड को यहाँ पे लगाना चाहते हो, उस पासवर्ड को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। दोस्तों, सिंपली मैं यहाँ 4-2 दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पासवर्ड को फिल कर दिया। एंड दोस्तों, उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो आपका जो पासवर्ड है वो लग चुका है। तो आपको बैक आना है और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि पासवर्ड लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो मोबाइल का स्क्रीन ऑफ होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीन लॉक लगा है या नहीं लगा है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो मेरा फ़ोन का स्क्रीन ऑफ हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो हम रेड वाला बटन, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे पासवर्ड मांगा जा रहा है जो मैंने अभी क्लियर किया, ठीक है। तो वही पासवर्ड को मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे मैंने इंटर किया, ये ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे आपको मिलती रहे। थैंक यू।